गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सा मेकअप लुक। जी हाँ, ये वाला मेकअप लुक आज मैंने क्रिएट किया है, बट ये वाला मेकअप लुक मैंने बहुत जल्दी क्रिएट किया है। तो अगर आप भी हैं लवर इस तरह के मेकअप के कि आपको बहुत जल्दी तैयार होना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना है और आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप मेकअप को इतना ज़्यादा टाइम दो, तो अगर आपको भी रेडी होना है बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट, तो बने रहिए मेरी आज की इस वीडियो में। दिखाती हूँ कैसे क्रिएट किया है मैंने ये प्यारा सा स्वीट सा मेकअप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में। स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो बिना वेस्ट किए आपका टाइम। फ्रेंड्स, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेकअप मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। खासतौर पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेकअप करना है, कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो उनके लिए आपको खासतौर से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इतनी जो भी मेकअप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होंगे वो आपको काफ़ी अच्छे लेना पड़ेंगे। आप कोई भी जल्दी में कोई भी मेकअप प्रोडक्ट बहुत जल्दी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपको अगर क्विक एंड ईजी एंड अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए अपने मेकअप का और बहुत ही प्यारी सी स्किन भी चाहिए साथ ही साथ, तो आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करना होगा। जल्दी में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव अगर आप जल्दी में मेकअप कर रहे हैं तो आपको थोड़े से हाई कॉस्ट के ही प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे, और अगर हाँ आपके पास थोड़ा टाइम है, आप टाइम लेकर के स्पेंड कर सकते हैं, तो आप अपनी स्किन को तीन चार तरीके से मॉइस्चराइज करने के बाद, तीन चार स्टेप पहले फॉलो करने के बाद, देन आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो आपको हार्म नहीं करेगा। बट इन केस आपने लो क्वालिटी के प्रोडक्ट लिए हुए हैं एंड देन आप स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी मेकअप करना, तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी, आप अगर जल्दी में मेकअप करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप हमेशा जो प्रोडक्ट लिए वो अच्छी कॉस्ट के लिए। फ्रेंड्स, वो भी मेकअप करें तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है। उसके लिए जल्दी से एक छोटा सा स्टेप है, अपनी स्किन के ऊपर आप स्प्रे कर लें इस तरीके से, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी और आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। सेकेंड है, बहुत ही क्विक, बहुत ही ईजी, आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर के अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। यहाँ पर मैं ये वाला मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। जल्दी में कभी भी अगर आपको मेकअप करना है तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना आई मेकअप सबसे पहले करो, क्योंकि अगर आपका आई मेकअप जल्दी से क्विकली हो जाएगा देन आप जो भी मेकअप अप्लाई करोगे अपने स्किन पर, वो अपने आई को अच्छे से, जो भी आपका एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसको आप क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अगर आपको जल्दी मेकअप करना है तो सबसे पहले आपको अपना आई मेकअप करना है, उसके बाद ही फेस मेकअप करना है। लेती हूँ मैं ये वाला ब्राउन कलर का काजल है, ये जेल लाइनर है। इसके अलावा आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत क्विक, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो। आईब्रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इन्हें नीट फिनिश देने के लिए और अपनी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए और कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मुझे काफ़ी अच्छे से कंसीलर लगाना होता है अपनी अंडर आईब्रो में, इससे काफ़ी ज़्यादा नीट फिनिशिंग आती है। अगर आपने बाय चांस आईब्रो नहीं करा रखी हैं, आपके जो भी मान लीजिए छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं यहाँ पर, वो भी इस कंसीलर की हेल्प से हाइड हो जाते हैं और काफ़ी नीट फिनिशिंग आती है इस तरह से अगर आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो। फ्रेंड्स, मैंने आईज़ को अपनी कंसील कर लिया है, अब मुझे करना है बहुत ही ज़्यादा क्विक स्टार्ट अपना आई मेकअप। देखिए, कोई भी आई मेकअप अगर आप करते हैं तो उसका बेस करने के लिए आपको हमेशा से या तो कोई पीच कलर, या तो कोई पिंक कलर, या फिर अगर आप डस्की टोन के हैं तो फिर आप ब्राउन कलर से लेकर के अपना आई बेस आपको ज़रूर से तैयार करना होता है। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये हल्का सा पीच कलर का शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैं करने वाली हूँ ग्रीन कलर का आई शेडो, तो मुझे बहुत ज़्यादा किसी और कलर की ज़रूरत नहीं है। मैं हल्का सा ये ब्राउनिश काइंड ऑफ पीच कलर ले रही हूँ, जिससे मैं अपनी ओवरऑल अपनी आईलेट को कवर करूँगी। ओवरऑल मैंने अपने अपर आईलेट को एक ब्राउन कलर के आई शेडो से पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। एंड देन बहुत ही जल्दी से मुझे ले लेना है ये कंसीलर और क्रिएट कर लेनी है प्यारी सी कट क्रीज, आप देख सकते हैं।
अब मैं ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का आई शेडो। इस ग्रीन कलर के आई शेडो को मैंने एक्चुअली क्रिएट किया है, मैंने दो कलर के आई शेडो लिए हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्कर कलर है और एक है ये येलो कलर। येलो कलर से मैं इस ग्रीन कलर को अगर मिक्स एंड मैच करती हूँ तो ये सेम टू सेम बहुत ही प्यारा सा लाइट सा ग्रीन कलर आ जाएगा, जिस तरह की मैंने इस टाइप से जैकेट पहनी हुई है। तो यही कलर मुझे करना था, दैट्स व्हाई मैंने इन दो कलर को आपस में मिक्स करके ये कलर क्रिएट किया है। फ्रेंड्स आप देख सकती हैं ये मेरा प्यारा सा आई शेडो बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो गया है रेडी। अब मुझे करना है अपने अंडर आई पे भी सेम कलर को ही अप्लाई। अब इसे ब्लैक कलर की काजल को आज मैं अप्लाई करूंगी। मैं बहुत कमी काजल अप्लाई करती हूँ बट अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो ब्लैक कलर का काजल एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आप व्हाइट कलर का या फिर कोई और कलर इस्तेमाल करती हूँ तो उसकी इंटेंसिटी लाने में आपको टाइम लगता है। बट ब्लैक कलर एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप काफ़ी अच्छे से अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको काफ़ी जल्दी से नज़र आ जाएगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा फिटी भी लगता है। काजल मैंने अप्लाई कर लिया है बट अगर आपको लगे ये काजल आपको थोड़ा सा नीचे की साइड से स्मोकी लुक देना है तो आप सेम कलर का आई शेडो जो भी आपने ब्लेंडिंग करते टाइम पे यूज़ किया है वही सेम कलर का आई शेडो लेकर के आप उसे धीरे धीरे इस तरीके से आप स्मच कर सकते हैं, जिससे ये आपकी प्रॉपर जो आई है हल्का हल्का सा एक स्मोकी टच देगी और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आपको आई लाइनर अगर नहीं भी लगाना है तो आपको आईलाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप काजल को ही लेकर के अपनी अपर आईलिड के ऊपर ऐसे ऐसे स्मच करेंगे देन इससे ये काजल आपका काफ़ी अच्छे से आपकी ओवरऑल आईलिड के ऊपर एक तरीके से स्मोकी सा टच दे देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फिटी लगता है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस मेकअप के साथ आप आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज अगर आप आईलाइनर ना भी लगाना चाहें आप सिंपली लैशेज भी लगा लें तो ये मेकअप आपका सफिशियंट है मेरे अकॉर्डिंगली। बट क्योंकि ये कंप्लीट मेकअप ट्यूटोरियल है तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि अगर आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो उसका जो कैसा आता है वो भी मैं लगा करके दिखाती हूँ आपको। आईलाइनर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं लेना है। ये जो मैंने आईलाइनर लिया है ये ब्लू हेवन का आईलाइनर है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आता है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर आईलाइनर का टच देना है, दैट्स व्हाई मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर भी मैंने अप्लाई कर लिया है, अब आप देख सकते हैं मेरा लुक। अब मुझे सिर्फ अप्लाई करना है आईलैशेस और हो जाएगा मेरा ये मेकअप कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बहुत ही क्विकली कर लेना है अपना फेस मेकअप, तो स्टार्ट करती हूँ अपना फेस मेकअप। क्योंकि मैंने आपको बताया जल्दी में मेकअप करना है तो प्रोडक्ट हमेशा अच्छे से लेना है, अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। तो मैंने ले लिया है ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप इसे ओवरऑल अपने फेस पे बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाएंगे और इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो इसलिए ये वाला फाउंडेशन मैं ओवरऑल अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको जहाँ जहाँ भी लगाना है एंड बहुत ही क्विक बहुत ही फास्ट आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे एंड ये बिल्कुल भी पैची नहीं होगा एंड इसका जो इफेक्ट रहेगा वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपको नीड हो फेस कंट्रोल करने की तो आप जल्दी से फेस को भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी लिक्विड लिपस्टिक डार्क कलर की यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं मैट कलर का कंट्रोल लूँ एंड देन उसे मैं ब्लेंड करूँ, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ।
मेरा मेकअप हो चुका है कम्प्लीट। मुझे देना है बहुत ही प्रीटी सा शाइनी सा लुक अपनी फेस को, जिसके लिए मैं अप्लाई करूँगी हाईलाइटर। ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि मुझे इसकी नीड है, अब आप हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ना नीड हो या फिर डे इवेंट में जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ना लगाना चाहें तो भी नहीं लगाएं। बट अगर एक प्रीटी सा शाइनी सा लुक चाहिए तो आप हाईलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप लिपस्टिक लगा सॉरी लिप लाइनर अप्लाई करते हैं थोड़ा सा आपको अपने लिप्स को इन्हेंस करते हुए, एंड आफ्टर दैट अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ही प्यारा सा आता है। आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुए लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा ये प्यारा सा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ट्रेंडी मेकअप लुक कंप्लीट। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हाँ, देखने में ये ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि इस तरह का मेकअप को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पता होती हैं तो आप कोई भी काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने बताया आपको कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप किसी भी तरीके का बहुत ही प्यारा सा मेकअप बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप भी हैं मेकअप लवर और आपको पसंद है इस तरह के मेकअप से रिलेटेड वीडियो को देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार अगर आए हैं आप मेरे चैनल के ऊपर। और हाँ, मेकअप लवर हैं और आपको पसंद आया है मेरा आज का ये वीडियो और आज का मेरा ये मेकअप लुक, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग से या फिर होगी रिलेटेड आपकी तरह मेरी तरह ही मेकअप लुक से। तब तक के लिए बाय बाय।